आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 30 ऐसे पौधे लेकर आई हूँ जो रेनी सीजन से लेकर सितंबर तक आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना होगा। नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें ताकि इस चैनल के साथ आप जुड़ जाएं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी बन सके इन प्लांट्स के साथ। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्वीट पोटैटो वाइन का। देखिए इसकी शेप और कलर कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर इसकी एक और वेराइटी है, एक नियॉन कलर का भी आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप कितनी सारी रूट्स ही रूट्स हैं। इसके अंदर रूटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप कटिंग से भी लगाएंगे किसी भी मौसम में तो भी ये प्लांट आराम से लग जाएगा और बारिशों में तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। 2 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर रूटिंग हो जाएगी, इसलिए कहीं भी मिले तो ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि नर्सरीज़ में ये प्लांट बहुत महंगा मिलता है। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है फाइकस। ये प्लांट मैं बहुत छोटा सा लेकर आई थी। किस साइज़ का लाई थी ये देखिए, ये मैंने अभी कटिंग से लगा रखा है और इतना छोटा ही प्लांट मैं गवर्नमेंट नर्सरी से लेकर आई थी। अब मेरे पास 4 से 5 प्लांट हैं, इसकी आप छोटी सी छोटी कटिंग करके भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि 3 इंच की कटिंग भी अगर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूटिंग पकड़ लेता है ये। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है कोलियस। अब देखिए कितना घना प्लांट है, इसकी जितनी आप कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये घना बनेगा। बारिशों के दिनों में इसके अंदर भी रूटिंग हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर रूट्स निकल रही हैं। इसको बस मैं कट करूँगी और मेरा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर आपके प्लांट में रूटिंग नहीं हो रही तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप बस इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग ले लें और लगा दें। बहुत सॉफ्ट स्टेम है, बहुत आसानी से लग जाएगी और ये आपको बिल्कुल भी फूलों की कमी महसूस नहीं होने देगा, इतना कलरफुल प्लांट है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। ये वेरीगेटेड सिंगोनियम है और मेरे पास एक प्लेन सिंगोनियम भी है। बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं सिंगोनियम में और ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। नर्सरीज़ में हमारे यहाँ पर ये 100-100 रुपये का मिलता है, लेकिन ये बहुत ईजी टू ग्रो है। मैंने भी अपना प्लांट कटिंग से ही लगाया था। इसे उगाना बहुत आसान है, बस इसकी जो भी ये नोड एरिया होता है इसे आप कट करें यहाँ से और कट करने के बाद मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दें। आपका प्लांट 1 हफ्ते के अंदर नई लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है ये थूजा का प्लांट। आप देख रहे होंगे इसके अंदर किस तरह से ये जो इसकी लीव्स हैं ये जली हुई हैं। गर्मियों में इसकी कुछ लीव्स जल गई थी, लेकिन अब देखिए इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। इसकी कटिंग लेने के लिए आप बस एक छोटी सी इतनी छोटी सी स्टेम कट करें। कट करने के बाद इसे मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दें। आपका ये प्लांट 15 दिन के अंदर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और रूट्स तैयार हो जाएंगी। ज़रूर लेकर आएँ, गार्डन्स में ये प्लांट आपको आराम से मिल जाएगा। 2-3 कटिंग्स अगर आप लेकर आते हैं तो आपको कोई मना नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा ये सदाबहार यानी विंका। ये प्लांट आप 2 से 3 इंच की कटिंग लेकर आराम से लगा सकते हैं। ये प्लांट फरवरी में गर्मियों में भी आप आराम से लगा सकते हैं। 2 से 3 इंच की इसकी कटिंग लेंगे और मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ये प्लांट पूरी गर्मियाँ आपको इसी तरह से खूबसूरत फूल देता रहेगा। जब झुलसती गर्मियाँ होती हैं उस टाइम पर भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। बस इतनी छोटी सी आप कटिंग करें और इसे लगा दें। किसी के पास आपको अगर ये प्लांट मिलता है तो ज़रूर लेकर आएँ। मैं भी नर्सरी से बिल्कुल छोटा सा प्लांट लेकर आई थी और ये अब देखिए कितना सारा है मेरे पास। नेक्स्ट है ये ड्रेसिना की वैरायटी सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये एक वेरीगेटेड भी आता है, नीचे आप देख रहे होंगे वेरीगेटेड लगा हुआ है। ये कटिंग करने से ही ज़्यादा ग्रो करता है, नहीं तो एक छोटी सी लकड़ी सी बन जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कटिंग कर रखी है और इसकी कटिंग आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में लगा दें, कुछ दिन बाद रूटिंग हो जाएगी और फिर आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट की हुई है, देखिए। नेक्स्ट है ये पर्पल हार्ट प्लांट। आप देख रहे होंगे इसके छोटे छोटे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं और ये आपके गार्डन में कलर प्रोवाइड करेगा। अगर आपको कलर ऐड करना है तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं। इसकी बस छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो भी है किस तरह से इसे लगा सकते हैं। ये देखिए बस जहाँ से पत्ती निकल रही है यहाँ से इस तरह से ट्विस्ट करके इसे निकाल लें और मिट्टी में इंसर्ट कर दें। इसकी ज़्यादा पत्तियाँ हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी रूट्स पकड़ लेता है। नेक्स्ट है हम सबका फेवरेट मनी प्लांट। मनी प्लांट आप एक पत्ती से भी लगा सकते हैं, बस इसे ध्यान से कट करें। ये पत्ती कट करते टाइम ध्यान रखें कि ये जो नोड एरिया है ये पूरा आप कट करके लेकर आएँ। अगर आप सिर्फ इसे कट करके ले आएंगे तो ये प्लांट नहीं लगेगा, यहाँ से ही इसकी रूट्स निकलती हैं। अगर आप ये कट करके लेकर आएंगे तो आपकी एक पत्ती से भी आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा फेवरेट स्पाइडर प्लांट। ये प्लांट
कटिंग से नहीं लगता है, लेकिन इसके अंदर इस तरह से पप्स आते हैं। हर एक पप के पीछे आप देख रहे होंगे कितनी सारी रूट्स हैं। इन रूट्स को बस आप मिट्टी के अंदर डालें, नया प्लांट रेडी हो जाएगा और वो नया प्लांट भी ढेर सारे पप्स देगा। आप बांटते बांटते थक जाएंगे, इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये प्लांट। नेक्स्ट है हमारी ये खूबसूरत सी टर्टल वाइन। ये प्लांट छोटे से छोटे पॉट के अंदर भी लग जाता है, यहाँ तक कि अगर आप इसे किसी चाय के कप में भी लगाएंगे तो भी ये लग जाएगा। ये देखिए इसके पीछे से रूट्स आ रही है। इस प्लांट को बस इस तरह से तोड़कर किसी पॉट के ऊपर रख देने की देर है, सिर्फ रखने से भी इसके अंदर रूट्स हो जाती हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसको बस यहाँ रख रही हूँ, रखने से भी इसके अंदर रूट्स आ जाएंगी कुछ दिनों में। ये मैंने कुछ दिनों पहले रखी थी, अब आप देखिए इसमें रूट्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की आप कटिंग इस तरह से यहाँ से करें और फिर इस पार्ट को मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दें। कई लोग इसे पानी में भी ग्रो करते हैं, आप चाहें तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के ऊपर भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट आप लीफ से ग्रो कर सकते हैं। एक लीफ को लेकर खींच कर निकालें और मिट्टी के अंदर इंसर्ट कर दें। याद रखें काट के नहीं, खींच कर ही निकालना है, तभी आपका प्लांट रेडी होगा। या फिर आप इस तरह से ये जो इसके नए नए पप्स निकल रहे हैं इन्हें भी लगा सकते हैं। निकाल कर इसके अंदर रूटिंग होती है, आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें एलोवेरा के टाइम पर, जब भी लगाएं छोटे पॉट में लगाएं। आप देख सकते होंगे यहाँ पे कितना छोटा पॉट है और इसमें नए नए प्लांट्स निकल रहे हैं। बड़े पॉट के अंदर आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा तुलसी का प्लांट। अगर आपके यहाँ पर तुलसी का प्लांट बीज से रेडी नहीं हो रहा है तो आप इसकी कटिंग ले आएँ 3-4 इंच की और इसे लगा दें। ये प्लांट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हमें बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर घर में एक तुलसी का प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेकंड पार्ट भी मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इसे अपलोड करूं तो आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स करें ताकि मैं उसे जल्द से अपलोड कर पाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।